नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के पर्यावरण और हम में पाठ 1 का दूसरा भाग देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग पहला भाग देख लिए हैं, आइए हम लोग देखते हैं। रोपवे पर चढ़कर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। देखिए करे, ये देखिए ये रोपवे बना हुआ है, जो रस्सी का रास्ता बना होता है उस पर चढ़कर हम लोग गुजरते हुए क्या देखे, चाय का बागान देखे। बागान मतलब चाय का बगीचा जहाँ चाय की खेती की जाती है। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे दूर बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमारे मैदानी इलाका जहाँ के हम लोग हैं वहाँ क्या दिखाई देता है, बादल हमसे बहुत दूर ऊपर दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच में थे और हम लोग जब रस्सी से टहल रहे थे तो वहाँ क्या थे, हम लोग बादलों के बीच में थे और घाटियाँ बादलों से भरी थी। और जो घाटी थी वो क्या था, चारों तरफ बादल भरा हुआ था। कभी कभी चाय बागानों में हम से नीचे भी बादल दिख रहे थे। कभी कभी क्या होता था, हमसे नीचे भी बादल हम लोग देखते थे तो दिखाई देते थे। यहाँ से हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। यहाँ से रोपवे रस्सी से घूमने के बाद हम लोग कहाँ चले गए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है वहाँ हम लोग चले गए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। देखिए जो पर्वत पर चढ़ने वाले यात्री होते हैं या टूरिस्ट होते हैं उनके लिए चिड़ियाघर के नज़दीक एक क्या था, पर्वतारोहण संस्थान था, जहां आकर सभी लोग रुकते थे। यहां देखिए ये है, यहां भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी है। देखिए ये मूर्ति लगा हुआ है, पर्वतारोही थे ये, भारत के थे। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। यहाँ के एवरेस्ट का जो म्यूजियम है वो बहुत ही रोमांचक यादगार है। यहीं मुझे तेंजिंग नोर्गे के बारे में, देखिए यहीं पर हम लोगों क्या हुआ, तेंजिंग नोर्गे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कुछ जानकारी मिली जो इस प्रकार है, पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र में ही कूली के रूप में जाने जाते थे। देखिए ये तेंजिंग जो थे क्या करते थे, 20 साल की उम्र में ही पर्वतारोहियों के रूप में काम करते थे। तेंजिंग यू तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, तेंजिंग कहते हैं भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। वे कहाँ के जन्मे थे, तिब्बत उनका जन्म हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए। और उनका बचपन कहाँ गुजरा, नेपाल में, एक बगल का देश है वहाँ पर गुजरा। वैसे तो उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। देखिए उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जो देश विदेश के यात्री आते थे उनके साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे सीखते सीखते। वे परंतु सबसे दोस्ती भी कर लेते थे, वे क्या करते तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने साथी वागडी नोरबू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वागडी को बचाया। हम देखिए एक उनका साथी जब पर्वतारोही था जो पहाड़ से गिरकर घायल हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि पीठ उसे लाद के अस्पताल ले गए, इस तरह उन्होंने वागडी को बचाया। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, देखिए वही जो है ऊपर उसका सारांश यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग। बोले मत, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जो पर्वतारोहित संस्थान था हम लोग वहाँ काफ़ी समय गुजारे और पर्वतारोहण के संबंध में क्या क्या जानकारी होता हम लोग वहाँ प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 में स्थापित किया गया था। देखिए इसका स्थापना कब किया था, 1954 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की खुशी में किया गया था। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है, जो पर्वतारोही होता है उनके लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। कैसे, पर्वत पर चढ़ना नहीं तो वो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा।
पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। जो देखिए पर्वतारोही है उनके लिए क्या चाहिए, टेंट चाहिए, रस्सी चाहिए, जरूरी औजार चाहिए, इसके साथ साथ भोजन, पानी और गर्म कपड़े चाहिए। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। इस समय जो कि भारत में क्या हुआ, पर्वतारोहण के लिए कई संस्थान खुल गए हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की तथा कई लोगों ने इस पर विजय भी हासिल किया हुआ। इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कुली तथा गाइड के रूप में चलता है। देखिए बहुत से संस्थान खुल गया, उसके बावजूद भी जो वहाँ जाता है उस दल के साथ वहाँ का लोकल रहने वाला एवं पर्वतों पर चढ़ने वाला परंपरागत कुली या गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। देखिए ऐसे जो गाइड है उसको दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है, सिरदार हम लोग कहते हैं। यह बहुत सम्मान का पद है, यह कोई ऐसा उसमें बहुत ही सम्मान का पद है, एक तरह से गुरु का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जो उन्होंने अपने साथियों को बचाया था। देखिए वो नोर्गे थे, साहब थे, उनको भी जो कि उसका उपाधि मिला हुआ था जब उन्होंने क्या किया था, विगडी अपने साथी को बचाया था। आइए हम आगे देखते हैं। संस्थान में पर्वतारोहण में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ सजोकर रखी गई। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश आदि, तो देखिए पर्वतारोहियों को ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए देखिए कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले बारिश का, आधी तूफान का, अत्यधिक ठंड का, ऑक्सीजन की कमी का सब सामना करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। उन्हें एक विशेष प्रकार का जूता तथा कपड़ा पहनना पड़ता है जिससे कि वो ठंड से बच सके। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं और ऑक्सीजन कम हो जाता है इसलिए वहाँ सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। देखिए ये हमारे इनबंड हेलेरी साहब हैं और ये नोर्गे साहब हैं जिन्होंने दज्जान उनका बचाया हुआ था। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती है। देखिए अपने सर की रक्षा के लिए, ऊपर सिर की रक्षा के लिए क्या किया जाता है, सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए अलग अलग प्रकार की टोपी पहनी जाती है। आँख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने की भी आवश्यक है। देखिए आँख की सुरक्षा के लिए चश्मा और हाथ के लिए क्या चाहिए, दस्ताना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार के स्लीपिंग बैग भी देखा। देखिए सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग है। प्यारे बच्चों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसका थर्ड पार्ट कल बना दूंगा, आप उस पर जाकर देख कर आप पूरा किताब पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।